हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथ्स। आज हम वन मार्क क्वेश्चन करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट द एंटी डेरिवेटिव ऑफ। एंटी डेरिवेटिव का मतलब समझते हो? एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। इसका मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है 3√x + 1/√x का, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? ऐसा करते हैं कि रूट एक्स को एक्स की पावर 1/2 लिख देते हैं और प्लस, और इसको एक्स की पावर -1/2 लिखते हैं, क्योंकि इसकी पावर है नीचे और वो ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी। और डीएक्स, अब इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। 3 कांस्टेंट है, ये कॉपी होगा एक्स रेस्ट पर हाफ का इंटीग्रल एक्स रेस्ट पावर 3/2 प्लस 1 करेंगे, 3/2 हो गया, एंड डिवाइड बाय 3/2 और प्लस, यहां भी एक्स की पावर -1/2 + 1, कितना हुआ 1/2, और डिवाइड करेंगे 1/2 और प्लस सी। और थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2 जाएगा ऊपर और ये 3 से कट जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा 2x^3/2 + और यहां देखें तो यहां पे 1/2 में 2 जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 2x^1/2 और प्लस सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूरे के ऊपर होल स्क्वायर है। अब हमें लगता है अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा रिड्यूस कर दें और फिर होल स्क्वायर खोलें तो ज्यादा अच्छा होगा। रूट एक्स जाएगा इस रूट एक्स के नीचे और जो कि हो जाएगा 1, और प्लस रूट एक्स जाएगा 1 के नीचे और ये होगा 1/√x और पूरे का होल स्क्वायर और डीएक्स, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, होल स्क्वायर को पहले खोलते हैं, तो ये बन जाएगा 1 + a² + b² + 2ab, 1 + b² मतलब 1/√x का स्क्वायर मतलब 1/x प्लस 2 × 1 × 1/√x dx। तो ये क्वेश्चन 12 बन गया, 1 + 1/x + 2/√x, ठीक है? तो रूट एक्स को सबसे पहले हम ऊपर ले आते हैं, तो 1 + 1/x + 2x^-1/2 और इस पूरे का इंटीग्रल, ठीक है? तो इंटीग्रल लेते हैं, 1 का हो गया x प्लस 1/x का हो गया log x log mod x और प्लस 2 और x^-1/2 का हो गया x^-1/2 + 1 मतलब 1/2 और डिवाइड बाय 1/2 और प्लस सी। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा और वो होगा हमारा फाइनल आंसर x प्लस और ये होगा log mod x + 4x^1/2 और प्लस सी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखें तो इंटीग्रल है 1 - x / 1 + x। अब क्या करें इसमें? देखो ऊपर नीचे सेम पावर है और जब कभी ऊपर नीचे सेम पावर होती है तो या तो हमें डिवाइड करना चाहिए और या हमें क्रिएट करना चाहिए, तो जो आपको आसान लगे। तो आसान तो क्रिएट करने वाली बात लग रही है। ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में क्रिएट करते हैं, ऊपर 1 + x लाना है तो माइनस को कॉमन लेते हैं, तो ये -1 और प्लस एक्स हो जाएगा। अब इसमें +1 - 1 कर देते हैं और नीचे चल रहा है 1 + x, तो 1 + x ही तो ऊपर लाना है, तो 1 + x ऊपर आ गया, तो इसे पूरे को लिखते हैं 1 + x और -2 और नीचे है 1 + x और बाहर माइनस और डीएक्स, ठीक है? तो क्या किया हमने? हमने नीचे का नंबर ऊपर क्रिएट कर दिया। अब इसे स्प्लिट कर दो, इसे अलग अलग कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बाहर है और ये 1 + x के नीचे 1 + x गया
कट गया, 1 आ गया और माइनस 2 के नीचे 1 प्लस एक्स और dx, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आराम से ले सकते हैं, माइनस ब्रैकेट शुरू करो और इंटीग्रल स्टार्ट, 1 की जगह 1 का इंटीग्रल x माइनस 2 बाय 1 प्लस एक्स, 2 को कॉपी करो, ये तो कांस्टेंट है, 1 बाय 1 प्लस एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, log 1 प्लस x mod और ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद प्लस c। अब आप ब्रैकेट खोल दो, ये होगा माइनस x प्लस 2 और log 1 प्लस x mod प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर बाय x माइनस 1, सोचो x स्क्वायर बाय x माइनस 1 मतलब ऊपर की पावर ज्यादा और नीचे की पावर कम, तो आपको करना होगा डिवाइड, तो डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर को डिवाइड करो x माइनस 1 से और ये किससे जाएगा, x से, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस x, माइनस और प्लस ये कैंसिल, बचा x, फिर किससे जाएगा, 1 से, तो इट इज x माइनस 1, माइनस और प्लस ये कैंसिल 1, तो ये क्या बनेगा, कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है, आपको पेपर में नहीं लिखना, आपको तो सीधा ही करना है, क्वेश्चन इट इज x प्लस 1 प्लस रिमाइंडर 1 अपॉन डिवाइजर x माइनस 1 और इंटीग्रेशन का साइन dx। अब आपका इंटीग्रल ले लो, इन सब का इंटीगल, x का इंटीगल x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 का इंटीगल x प्लस 1 बाय x माइनस 1 का इंटीगल log x माइनस 1 मॉड और प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन में है e रेज़ टू पावर माइनस x, क्या करेंगे, सबसे पहला काम करो e रेज़ टू पावर माइनस x को पॉजिटिव बनाओ और इसके नीचे ले आओ और इंटीग्रल 1 बाय 1 प्लस 2 बाय e रेज़ टू पावर x, ठीक है। अब क्या करें, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे क्या आएगा, e रेज़ टू पावर x और उसको ले जाओ ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, एक ही स्टेप में सब, एलसीएम लिया और एलसीएम को ऊपर ले गए तो e रेज़ टू पावर x ऊपर आ गया और नीचे हुआ e रेज़ टू पावर x प्लस 2 और साथ में dx। अब क्या करें, अब एक फॉर्मूला याद रखो, एक थ्योरम समझो इसे, जैसे कभी भी अगर ऊपर डेरिवेटिव हो डिनोमिनेटर का, मतलब न्यूमरेटर में डेरिवेटिव हो डिनोमिनेटर का, ठीक है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव कभी भी अगर ऊपर लिखा हो तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, जो भी डिनोमिनेटर है उसका लॉग ही इसका इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, प्लस सी। तो यहाँ पे भी तो वही है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो जब भी कभी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो तो आपका आंसर होगा, इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग e रेज़ टू पावर x प्लस 2 और ये मॉड और प्लस c, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एक काम करते हैं कि जो tan x है इसको sin x by cos x लिखते हैं, तो क्वेश्चन बनेगा x अपॉन 1 प्लस x और ये होगा sin x by और cos x। अब क्या करें, अब एलसीएम ले लो और एलसीएम क्या आएगा, cos x और एलसीएम को ऊपर शिफ्ट कर दो, एक ही स्टेप में ये सारा काम करो, तो ऊपर आ जाएगा x cos x और नीचे एलसीएम cos x है, इसलिए ये cos x प्लस x और sin x हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करें, अब अक्सर क्वेश्चंस में ऐसा होता है, एक बार देखा करो, अब ये जो डिनोमिनेटर है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, देखो, यस, अब सोचो आप इसका डेरिवेटिव क्या होगा, जरा सोचो, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x और प्लस और x sin x का डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल से, x और cos x प्लस और sin x into 1, तो देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा, x
और cos x, इसका मतलब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, ऊपर है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट होना चाहिए, log ऑफ डिनोमिनेटर इट इज cos x प्लस x sin x mod प्लस c। यस, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में cosec x प्लस 2 cot x है, अगर ये 2 ना होता तो हम रैशनलाइज करते और रैशनलाइज करते ही नीचे बन जाता cosec square माइनस cot square जो कि हो जाता 1। मगर अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, इसको sin cos में चेंज कर देते हैं। इंटीग्रल इट इज 1 अपॉन cosec x को 1 बाय sin x प्लस 2 cot x को cos x बाय sin x। अब एलसीएम लेते हैं और एलसीएम को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, तो एक ही स्टेप में ये सारा काम, sin x ऊपर आ गया और नीचे 1 प्लस 2 और cos x। अब क्या करें, अब ऐसा नहीं लगता कि sin x डेरिवेटिव है cos x का, मगर cos x के डेरिवेटिव में तो माइनस sin x आता है। माइनस की कोई बात नहीं, माइनस हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर भी और बाहर भी, तो ऐसा ही करते हैं। अब ये सोच लेते हैं कि जैसे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर काश हमको मिल जाए तो हम सीधा ही log लिख देंगे। नीचे का डेरिवेटिव होगा क्या, अगर पूरे को देखें तो 1 का 0 हो गया और 2 cos x का हो गया माइनस 2 sin x, तो माइनस 2 sin x अगर ऊपर मिल जाए तो हम सीधा ही log लिख देंगे। तो ऐसा करते हैं, इसे क्रिएट कर देते हैं, तो माइनस 2 से डिवाइड कर दिया और माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हो गया 1 प्लस 2 cos x। अब देखो, अब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है तो सीधा ही इंटीग्रल हो गया माइनस 1 बाय 2 और log ऑफ डिनोमिनेटर 1 प्लस 2 cos x। तो जब भी कभी प्लस सी, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होता है तो हम इंटीग्रल में क्या लिखते हैं, log ऑफ नीचे का नंबर, मगर विद इन द मॉड, मॉड के अंदर। अब इसको देखते हैं, अब इसमें क्या करें, क्या लगता है आपको, आपको लगता नहीं कि पहले x कॉमन लेना चाहिए, x कॉमन ले लेते हैं। अगर x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आएगा, 1 प्लस log x। अब क्या करें, अब क्या करें, जरा सोचो, अगर मैं x को ऊपर ले जाऊं तो ऊपर क्या आएगा, 1 बाय x और नीचे 1 प्लस log x। अब आपको लगता नहीं है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव फिर से ऊपर पड़ा हुआ है, यस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सीधा ही आप नेक्स्ट स्टेप में log 1 प्लस log x लिख सकते हो, mod प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 1 प्लस x प्लस रूट x, अब इसमें क्या करें, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में, एक काम करते हैं, इसे 1 बाय x को ऐसा सोचते हैं कि रूट x इंटू रूट x है, तो x तो रूट x के बराबर होता है, तो फिर रूट x कॉमन ले लेते हैं, तो ये सारा काम एक ही स्टेप में करते हैं, रूट x कॉमन लेते हैं और यहाँ पे है रूट x इंटू रूट x, तो एक रूट x बाहर आ गया, रूट x प्लस इसकी जगह 1 आ गया। ठीक है, और दिमाग लगाओ, अब क्या कर सकते हैं, अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, रूट x को ऊपर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 1 बाय रूट एक्स और डिवाइड बाय और रूट एक्स, ये रूट एक्स है, रूट एक्स प्लस 1 इंटीग्रल और डीएक्स। अब सोचो, अब देखो, फिर वही नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, कैसे, ये रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय 2 रूट एक्स, 1 बाय 2, 2 की कमी है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो और फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड 1 बाय इसे 2 रूट एक्स, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से ऊपर डिवाइड, तो ऐसा करते हैं इसको 2 बाहर ले लेते हैं और रूट एक्स प्लस 1 डीएक्स। देखो क्वेश्चन बैलेंस हो गया, अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आ गया तो 2 को बाहर रहने देते हैं और फिर log of denominator लिख देते हैं और प्लस सी। ठीक है, यस yes.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इन क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नीचे का डेरिवेटिव किसी तरीके से ऊपर आ जाए ताकि हम लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर लिख सकें। अब यहां देखते हैं, अब यहां पावर, पावर कभी भी x से ज्यादा हो तो आप उसे t मानो, ठीक है। देखो ये पावर 5 की पावर x स्क्वायर, एक पावर एक सिंगल वेरिएबल होनी चाहिए, तो इसका मतलब इसे t मान लो। तो t मान लिया मैंने x स्क्वायर को, तो फिर dt क्या हो गया, ये हो गया 2x और dx, और डेरिवेटिव क्या है 2x dx। जब आप इसको t मानोगे तो अब हमें dt भी चाहिए होगा, तो dt किसके बराबर है 2x और dx के। मेरे पास x तो है मगर 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं, और ये 2x और 5 रेस्ट पावर x स्क्वायर और dx। तो पहले dt का इंतजाम करो और उसके बाद एक ही स्टेप में t लिखो और dt लिखो। अब 1 by 2 बाहर और इसको आपने तो t कह दिया है, तो ये 5 रेस्ट पावर t हो गया है, और ये 2x और dx मिलकर के dt हो गया है। अब 5 रेस्ट पावर t का इंटीग्रल क्या होता है, 1 by 2, अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा 5 रेस्ट पावर t as it is divide by derivative of the power मतलब t 1 और log of the base log 5 और प्लस c, this is answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अब फिर देखते हैं e के ऊपर पावर, पावर कभी भी एक सिंगल अल्फाबेट से, सिंगल वेरिएबल से अलग हो तो उसको t मान लो। अब e की पावर 1 by x है तो इसको भी t मानो, t हो गया 1 by x, तो dt by dx क्या होगा minus 1 by x square, तो dt क्या हो गया minus 1 by x square और dx, तो minus 1 by x square dx, तो minus यहां नहीं है, 1 by x square तो है, तो minus से multiply और बाहर भी अंदर भी लिख दो, minus 1 by x square e raised to power 1 by x और dx। पहले dt का इंतजाम कर लो, तो dt का इंतजाम हो गया, minus 1 by x square और dx मिलकर के dt बन जाएंगे, और ये e raised to power 1 by x t हो जाएगा, और ये dt और ये बाहर minus। अब e raised to power t का इंटीग्रल क्या होता है, e raised to power t plus c, और वापस t की वैल्यू e raised to power 1 by x plus c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस क्वेश्चन में भी 3 के ऊपर इतनी बड़ी पावर, इसे t मानो, तो t हो गया x plus 1 by x और dt हो गया 1 minus 1 by x square और dx, ठीक है। तो पता है ना आपको x का negative 1 और 1 by x का minus 1 by x square, तो देखो जरा आपके पास dt है पूरा, yes ये पूरा dt हो गया, और क्वेश्चन बन गया हमारा 3 raised to power t और dt, और इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा 3 raised to power t as it is divide by derivative of t 1 और log of the base 3 मतलब log 3 और plus c, और t की वैल्यू पुट कर दो, तो t की वैल्यू क्या है 3 raised to power x plus 1 by x upon log 3 plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में क्या लगता है आपको, अब लगता है कि एक नंबर ये अकेला पड़ा हुआ है, ये किसी ना किसी का डेरिवेटिव होगा, 2 raised to power x किसका डेरिवेटिव होता है 2 raised to power x का, और नीचे 2 raised to power x अब बना सकते हो आप, देखो बन सकता है, एक काम करते हैं 2 raised to power x upon 1 minus 4 raised to power x को 2 raised to power 2 के ऊपर x लिख देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 raised to power x upon 1 minus 2 raised to power x का स्क्वायर, एक ही बात है, पावर्स आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं, हो गई, ठीक है। तो अब क्या करें, अब t मान लो, आप t मानो 2 raised to power x को, क्योंकि ये जो पड़ा हुआ है ये डेरिवेटिव होगा, किसका डेरिवेटिव है 2 raised to power x का। अब dt क्या होगा, dt होगा 2 raised to power x और log 2 और dx। अब dt क्या है, किसको लिखोगे तुम dt, 2 raised to power x को और log 2 को और dx को, तो तुम्हारे पास यहां पे क्या है, dx है 2 raised to power x है मगर log 2 नहीं है, तो log 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 1 by log 2 बाहर रखो और
एक log 2 अंदर ले आओ, 2 raised to power x और log 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और 1 minus 2 raised to power x का होल स्क्वायर और ऊपर रूट और ये dx, ठीक है। अब देखो, अब ये ऊपर वाला dt हो गया, dt हो गया, नीचे हो गया 1 minus t square और root, बाहर हो गया 1 by और log 2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा, याद करो, आप याद करो log 2, इसका इंटीग्रल होगा sin inverse t plus c, ठीक है, और t की वैल्यू डाल दो और 1 by 2 log 2 और sin inverse t की वैल्यू 2 raised to power x plus c, ठीक है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि एंगल और पावर जब भी कभी x से सिंगल वेरिएबल से अलग हो तो हमेशा उसको t मानो। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में एंगल, ये एंगल x क्या है, नहीं चलेगा, ये इंटीग्रेशन में एंगल इतना बड़ा नहीं चलेगा। एक काम करो, इसे t मानो, t मान लो x स्क्वायर को, तो dt क्या हो गया, dt हो गया 2x और dx, 2x dx है आपके पास, तभी तो उसकी जगह dt लिखोगे, 2x dx आपके पास नहीं है, 2 नहीं है, x तो है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो और ये 2x और secant स्क्वायर x स्क्वायर और dx, अब x स्क्वायर को t मानो, अब पूरा क्वेश्चन t में बदल दो, अब ये 2x और dx मिलकर dt हो जाएगा और ये secant स्क्वायर t हो गया, तो secant स्क्वायर t और dt, 1 by 2 बाहर और secant स्क्वायर t का इंटीग्रल क्या होता है, ये होता है tan t और plus c और t की वैल्यू डाल दो, it is tan x स्क्वायर plus c। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए हमें, अब क्वेश्चन में जरा सोचो, आपको याद आया 1 plus sin 2x, 1 plus sin 2x होता है sin x plus cos x का होल स्क्वायर, यस, एक काम करते हैं, इसे cos x minus sin x को ऐसे ही रहने दो और नीचे 1 की जगह sin square x plus cos square x और plus 2 sin x cos x, तो मिल करके क्या हो गया, ये हो गया sin x और plus cos x का होल स्क्वायर इंटीग्रल और dx, ठीक है। तो अब क्या करें, अब देखो, अब ये ऊपर जो है वो डेरिवेटिव है किसका, sin x plus cos x का, तो sin x plus cos x का डेरिवेटिव क्या हुआ, cos x minus sin x, वो तो ऊपर है, तो फिर इसको t मानो और ऊपर वाला dt हो जाएगा, तो इसको t मानो, तो t माना हमने sin x plus cos x को और dt हमारा हो गया, it is cos x minus sin x और dx, तो ऊपर हो गया हमारा dt और नीचे हो गया t स्क्वायर, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, अब t की पावर 2 को ऊपर ले जाओ, t की पावर माइनस 2 और इंटीग्रल क्या हुआ, t की पावर प्लस 1 मतलब माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c मतलब माइनस 1 बाय t प्लस c मतलब माइनस 1 बाय और ये हो जाएगा sin x प्लस cos x प्लस c, ठीक है। तो मैंने हमेशा कहा है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, पहले अगले क्वेश्चन में फिर से cosecant square log x, तो मैंने हमेशा कहा है कि एंगल और पावर सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, अगर उससे अलग है तो उसको t मानो, तो t मानो आप log x को, t माना हमने log x को, तो dt क्या हो गया, 1 by x और dx, तो t मानो इसको, क्वेश्चन बन गया cosecant square t और ये 1 by x dx पड़ा हुआ है हमारे पास, वो dt हो गया, तो क्वेश्चन है cosecant square t इंटीग्रल होगा minus cos t plus c और माइनस इंटीग्रल हुआ माइनस cot t की वैल्यू log x और प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में क्या करें, फिर से सोचो x प्लस log x, log जब अक्सर आ जाता है तो हम उसको t ही मानते हैं ज्यादातर क्वेश्चंस में, कुछ ऐसा जरूर सोचा करो, तो log x इसके अंदर है, तो एक काम करते हैं, इस x को ऊपर ले जाते हैं, x को अगर मैं ऊपर शिफ्ट करूं
तो x प्लस वन बाय x हो गया और नीचे बाकी बचा x प्लस और log x और dx। आप समझ गए ना, x को मैं ऊपर ले गया। अब इनको अलग अलग करो, वन प्लस वन बाय x, ये x के नीचे x मतलब वन प्लस वन बाय x, अब x प्लस log x। अब आप देखो, देखो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो आंसर क्या हुआ, log of डिनोमिनेटर x प्लस log x मॉड प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, अभी क्या लगता है आपको, इसमें x अकेला पड़ा हुआ है, एक नंबर अकेला पड़ा है, तो किसी ना किसी का डेरिवेटिव होगा। सोचो x किसके डेरिवेटिव में आता है, x स्क्वायर के, तो x स्क्वायर है तुम्हारे पास, नहीं है, मगर बनाया जा सकता है, तो फिर क्रिएट करो, इसे x रहने दो और इसको x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4। वैसे आपने सोचा क्या है, सोचा यह है कि x स्क्वायर को t मानेंगे, क्योंकि x अकेला है, डेरिवेटिव होता है x स्क्वायर के डेरिवेटिव में आता है, तो क्या होता है डेरिवेटिव 2x। तो एक काम करो, साथ साथ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड भी कर दो, आपके स्टेप्स बचेंगे। अब आप t मान लो x स्क्वायर को, t इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो dt क्या होगा, 2x और dx, तो dt हो गया 2x dx, 2x dx dt हो गया, और डिवाइड बाय ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 और 1/2। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका इंटीग्रल होगा बाय द फॉर्मूला 1/2 और tan इनवर्स t बाय 2 प्लस c, और 1/2 1/4 और tan इनवर्स t की वैल्यू डालो x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, x और x स्क्वायर प्लस 3 रूट के अंदर है, फिर सोचो वही बात, x अकेला पड़ा हुआ है, ये डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर का, तो x स्क्वायर को t मानो, ऐसा करते हैं t मान लेते हैं इस पूरे को, t इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3, इस पूरे को क्यों ना t मान लें, और dt क्या होगा, dt होगा 2x और dx, 2x नहीं है आपके पास, x है 2 नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड कर दो, और x स्क्वायर प्लस 3 रूट और dx। अब पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट कर दो, ये dt हो जाएगा, ये t रूट हो गया और साथ में dt हो गया, t रूट का इंटीग्रल क्या होगा, t रेस्ट टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस c और 1/2 बाहर। ठीक है, अब ये 2 कैंसिल, आंसर आ गया 1/3 और t की वैल्यू 3/2 प्लस c 1/3 और t की वैल्यू डाल दो, इट इज x स्क्वायर प्लस 3 रेस्ट टू पावर 3/2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में ये होल स्क्वायर है, आप सोचो क्या करना चाहिए हमें, जरा सोचो। देखो पावर फिर से एंगल, टेन का एंगल 1/x है, तो इसको तो टी मानना ही चाहिए, फिर ये पावर स्क्वायर का क्या करेंगे, एक काम करते हैं पावर सब के ऊपर ले जाते हैं, मतलब टेन के ऊपर पावर 2 हो गई और नीचे वाले x के ऊपर पावर 2 हो गई, एंगल की पावर नहीं जाती, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, t मान लेते हैं 1/x को, t माना हमने 1/x को, तो dt क्या हो गया, माइनस 1/x स्क्वायर और dx। ठीक है, तो अब माइनस नहीं है हमारे पास, तो माइनस यहां लगाते हैं, माइनस बाहर लगाते हैं। ठीक है, तो माइनस आ गया हमारे पास, अब माइनस 1/x स्क्वायर हमारा dt हो गया और ये हो जाएगा tan स्क्वायर t और माइनस बाहर और dt, मगर tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता, तो tan स्क्वायर जिसका इंटीग्रल नहीं होता उसको उसके फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो tan स्क्वायर का इंटीग्रल नहीं होता तो इसका कोई फॉर्मूला सोचो, फॉर्मूला होता है secant स्क्वायर t माइनस 1 dt। ठीक है, तो secant स्क्वायर t का इंटीग्रल होता है माइनस tan t और फिर माइनस 1 का इंटीग्रल, x मत लिख देना, 1 का इंटीग्रल t, क्योंकि वेरिएबल t चल रहा है, ब्रैकेट क्लोज प्लस c, अब t की वैल्यू डालो और ब्रैकेट खोल दो, माइनस tan और ये 1/x माइनस प्लस हो गया 1/x प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब इसमें देखते हैं, इनवर्स के ज्यादातर क्वेश्चंस में इनवर्स को अगर हम टी माने तो उसका डेरिवेटिव हमें क्वेश्चन में मिल जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत होते हैं। तो ये थॉट अपने मन में रखो और देखो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्वेश्चन में कहीं है तो नहीं है। 1/(1 - x) के डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स का, तो टी मान लेते हैं हम साइन इनवर्स एक्स का, तो डी टी क्या होगा, इट इज 1/(1 - x) के रूट और डी एक्स। तो डी टी है हमारे पास, ये हो जाएगा क्वेश्चन हमारा डी टी अपॉन 2+3t। तो डी टी बाय 2+3t इसका इंटीग्रल क्या होगा, कई बार इंटीग्रेशन में आपको पता नहीं चलता अगर क्वेश्चन टी का हो तो, आप इसको थोड़ी देर के लिए x समझ लो। तो अब आप आराम से सोच लेंगे 2+3x का इंटीग्रल क्या होगा, log, तो इसका मतलब 2+3t का इंटीग्रल भी log, log सिंगल पावर है ना, log 2+3t mod divide by derivative of this, इसका डेरिवेटिव क्या है 3 और प्लस c। अब आप t की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा log 2+3t की जगह sin इनवर्स x और डिवाइड बाय 3 और प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22। अब इसमें क्या करें, मैंने आपको कहा है कि लॉग के क्वेश्चन में आप ये बात जरूर सोचो कि लॉग x को अगर t मान ले तो, यस अगर लॉग x को t मानते हैं तो 1/(log x) डेरिवेटिव है आपके पास, तो t मान लेते हैं लॉग x को, तो dt क्या हो गया 1/(x) और dx, तो क्वेश्चन बन गया हमारा log t और dt, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। आपको पता है log के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स और log दो ऐसे फंक्शन हैं जो बाय पार्ट्स होते हैं, जो सिर्फ बाय पार्ट्स होते हैं। तो अच्छा, तो अगर ये बाय पार्ट्स होते हैं तो दूसरा नंबर कहाँ है हमारे पास, दूसरा कोई नहीं है, इसलिए 1 दे दो, 1 × बाय पार्ट्स तो करना ही है, दूसरा नहीं है तो उसे 1 दे दो, 1 × log t dt। अब log को फर्स्ट मानो और 1 को सेकंड मानो और बाय पार्ट्स शुरू कर दो, फर्स्ट एज इट इज log t एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ 1 जो कि हो गया t माइनस इंटीग्रल ऑफ 4 डेरिवेटिव ऑफ log t जो कि हो गया 1/t * इंटीग्रल ऑफ 1 जो कि t और dt। अब t t कैंसिल, तो ये जगह t और log t माइनस dt इंटीग्रल, और ये जगह t और ये log t माइनस dt का इंटीग्रल t प्लस c, यहाँ t की वैल्यू डाल दो, t की जगह डालेंगे वापस log x और ये log और log x माइनस log x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सोचो sin 2x अकेला है, क्या हो सकता है, किसका डेरिवेटिव हो सकता है, sin 2x तो cos 2x का डेरिवेटिव होता है, मगर sin 2x sin square x का डेरिवेटिव भी तो होता है और वो हमारे पास है नीचे पड़ा हुआ, तो क्यों ना हम इसको t माने, फिर sin square x को t क्यों माने, इस पूरे डिनोमिनेटर को t क्यों ना माने, तो पूरे डिनोमिनेटर को t मान लेते हैं क्योंकि डेरिवेटिव तो वही आने वाला है। तो t इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, तो डी टी क्या होगा, ए स्क्वायर का जीरो हो गया प्लस बी स्क्वायर तो कांस्टेंट है कॉपी होगा और साइन स्क्वायर एक्स का 2 साइन स्क्वायर एक्स 2 आगे साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द बेस कॉस एक्स डी एक्स और डी टी इज इक्वल टू हो गया बी स्क्वायर और साइन 2x और dx, ओ तो b स्क्वायर साइन 2x dx dt होगा, तो b स्क्वायर हमारे पास ऊपर नहीं है, तो एक काम करते हैं b स्क्वायर से मल्टीप्लाई b स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं और ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x dx। अब आप देखो, अब नीचे वाले को t मानते हैं और ऊपर dt हो गया 1/b² ऊपर dt और नीचे t, तो आंसर क्या हुआ, आंसर हुआ 1/b² log t mod
प्लस सी, 1 बाय बी स्क्वायर लॉग टी की वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से इस क्वेश्चन में देखें तो इनवर्स का डेरिवेटिव आपको लगता नहीं है पढ़ा हुआ? इनवर्स जब भी कभी मिले तो सबसे पहले देखो कहीं उसका डेरिवेटिव तो नहीं है आपके पास। यस, क्वेश्चन में उसका डेरिवेटिव है तो इसको टी मान लो। टी हो गया टेन इनवर्स एक्स, और डी टी हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और क्वेश्चन बन गया साइन टी टू टी साइन टू टी इंटीग्रल और डी टी। अब साइन टू टी का इंटीग्रल क्या हुआ? इट इज माइनस कॉस टू टी डिवाइड बाय टू प्लस सी माइनस वन बाय टू, और ये कॉस टू टी की वैल्यू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में देखें तो क्या आपको कौन सी बात अलग नजर आती है? वो ये कि एंगल इतना बड़ा एक्स टू पावर सिक्स, एंगल कभी भी बड़ा हो सिंगल एक्स से अलग हो तो उसको टी मान लो। टी इज इक्वल टू एक्स सिक्स, तो डी टी क्या हुआ? डी टी हुआ सिक्स एक्स टू पावर फाइव और डी एक्स। अब ये डी टी हमारे पास होना चाहिए, तो हमारे पास सिक्स नहीं है, एक्स टू पावर फाइव तो है, तो सिक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, सिक्स एक्स टू पावर फाइव और सीकेंट एक्स टू पावर सिक्स और टेन एक्स टू पावर सिक्स और डी एक्स। अब एक साथ क्वेश्चन को टी में बदल देते हैं, तो ये हमारा डी टी हो जाएगा और ये सीकेंट टी और टेन टी और साथ में डी टी। आपको पता है सीकेंट टी टेन टी किसका डेरिवेटिव होता है? ये डेरिवेटिव होता है सीकेंट का, सीकेंट टी प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो वन बाय सिक्स, सीकेंट टी की जगह एक्स टू पावर सिक्स प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट एक्स लॉग साइन एक्स, सोचो आप सोचो क्या करें। मैंने आपको बताया था कि लॉग कभी भी आए सोचना उसका डेरिवेटिव कहीं आसपास पड़ा तो नहीं हुआ, तो फिर है तो सही लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव होता क्या है? कॉट एक्स ही तो होता है, करके देखो। टी मान लेते हैं लॉग साइन एक्स को, किसको टी माना, तो डी टी क्या हो गया? डी टी हो गया वन बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और साथ में डी एक्स, तो डी टी हो गया इक्वल टू कॉट एक्स और डी एक्स, तो कॉट एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ये रहा कॉट एक्स, ये रहा डी एक्स, ये डी टी हो जाएगा और लॉग साइन एक्स पूरा टी हो गया, तो क्वेश्चन बन गया टी और डी टी, और इंटीग्रल होगा टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, और टी की वैल्यू लॉग साइन एक्स होल स्क्वायर बाय टू प्लस सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ई रिज टू पावर ई का क्वेश्चन है। एक्सपोनेंशियल के क्वेश्चन में ज्यादातर क्वेश्चनों में हम ई रिज टू एक्स को टी मान लेते हैं, मगर यहाँ नहीं। यहाँ एक काम करते हैं, सोचना होगा, ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा। आप सोचो ई रिज टू पावर टू एक्स को हम कॉमन ले लेते हैं, बात समझना, डी एक्स और ई रिज टू पावर टू एक्स इस रूट के अंदर ही अंदर कॉमन ले लो। ई रिज टू पावर टू एक्स आपने कॉमन ले लिया, वन बाय ई रिज टू पावर टू एक्स और माइनस वन आ गया। ठीक है, अब ई रिज टू पावर टू एक्स का मतलब है ई रिज टू पावर एक्स का होल स्क्वायर और उसके ऊपर है रूट, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ई रिज टू पावर एक्स सिर्फ, समझ गया ना कि ई रिज टू पावर जो टू एक्स है उसके ऊपर रूट है, इसको मैं ई रिज टू पावर एक्स का स्क्वायर लिख सकता हूँ और स्क्वायर रूट गायब, क्या बचा ई रिज टू पावर एक्स, तो बाहर आ गया ई रिज टू पावर एक्स। अब 1 बाय ई रिज टू पावर 2x को मैं ई रिज टू पावर माइनस 2x लिख सकता हूँ और माइनस 1 और इसके ऊपर रूट चल रहा है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मैं डी एक्स ई रिज टू पावर एक्स को ऊपर लेके जा सकता हूँ, ई रिज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स अपॉन, और नीचे ई रिज टू पावर
माइनस टू एक्स को ई रेस टू पावर माइनस एक्स के ऊपर टू लिख सकता हूं और माइनस वन, ठीक है। अब मैं ई रेस टू पावर माइनस एक्स को टी मान सकता हूं क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है। तो ये सोचा ई रेस टू पावर माइनस एक्स अब अकेला है, किसके डेरिवेटिव में होता है, ई रेस टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव में होता है, तो ई रेस टू पावर माइनस एक्स मुझे चाहिए और वो मैंने नीचे बना दिया। अब हम टी मानेंगे ई रेस टू पावर माइनस एक्स को और डी टी हो जाएगा हमारा माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स और डी एक्स। तो यहां पर हमारे पास माइनस नहीं है, तो माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डी एक्स और माइनस बाहर और नीचे ई रेस टू पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन और अंडर द रूट, ठीक है। तो ये टी होगा, ऊपर डी टी हो गया, ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया टी स्क्वायर माइनस वन अंडर द रूट। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, इसका इंटीग्रल होता है माइनस लॉग टी प्लस टी स्क्वायर माइनस वन, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, प्लस सी, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। माइनस लॉग टी की वैल्यू ई रेस टू पावर माइनस एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन रूट मॉड प्लस सी, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। अब ये क्वेश्चन कैसे होगा देखो, अब आप सोचो क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में हमें, इस क्वेश्चन में हमें देखो मैं यहां करता हूं e रेस टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेस टू पावर 2x प्लस 1 इंटीग्रल और dx। हमें क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन में आप सोचो, वैसे इसका एक शॉर्टकट है आपको नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना। e की पावर कितनी है 2x, नीचे कितनी है 2x, इसकी हाफ पावर कॉमन ले लो, मतलब e रेस टू पावर 2x की हाफ पावर कितनी होगी, e रेस टू पावर x कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा e रेस टू पावर x और माइनस 1 बाय e रेस टू पावर x। जब कोई नंबर आप कॉमन लेते हो तो वो सबसे डिवाइड हो जाता है, तो नीचे भी आप e रेस टू पावर x कॉमन ले लो, क्या बचेगा e रेस टू पावर x प्लस 1 बाय e रेस टू पावर x, यही होगा ना। अब ये दोनों कैंसिल कर दो और ये e रेस टू पावर माइनस एक्स को आप ऊपर ले जाओ, तो इंटीग्रल e रेस टू पावर x माइनस e रेस टू पावर माइनस x अपॉन e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस x और dx, ठीक है। अब क्या करें, अब सोचो क्या करें, अरे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे वाले का डेरिवेटिव सोचो क्या होगा, e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस एक्स का e रेस टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन, तो ऊपर पूरा डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, तो फिर सीधा लिखो लॉग नीचे का नंबर e रेस टू पावर x प्लस e रेस टू पावर माइनस एक्स मॉड प्लस सी। यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखें तो रूट है लीनियर के ऊपर, तो याद रखो लीनियर के ऊपर जब कभी भी रूट हो इस पूरे को टी मान लो, तो यहां रूट किसके ऊपर है, एक्स माइनस वन के ऊपर, मतलब लीनियर के ऊपर, तो इसको टी मान लो पूरे को, टी इज इक्वल टू एक्स माइनस वन रूट। और अब डेरिवेटिव लेना है, मगर डेरिवेटिव लेने से पहले स्केलिंग कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, अब डेरिवेटिव लो टू टी डी टी इज इक्वल टू डी एक्स, डेरिवेटिव हो गया। अब dx किसके बराबर है, 2t dt के बराबर। अब क्वेश्चन लो और क्वेश्चन में dx की जगह पे 2t dt लिखो, 2t dt और रूट x माइनस वन की जगह पे t लिखो, और अब ये x नहीं लिख सकते, तो जब पूरा क्वेश्चन t में बदल गया है तो फिर x नहीं लिखा जाएगा, x की वैल्यू डाली जाएगी t की फॉर्म में,
x की वैल्यू t की फॉर्म में कहां से निकालोगे? जहां आपने पुट किया वहां से, यहां से निकाल लेते हैं। x क्या है? माइनस वन को उधर ले जाओ, तो x क्या है? t स्क्वायर प्लस वन, तो t स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। मगर x है t स्क्वायर प्लस वन, प्लस वन तो t स्क्वायर प्लस टू, t स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। अब कांस्टेंट है ये टू, इसे बाहर ले जाओ, और ये t और t कितना हो गया? t स्क्वायर, ये हो गया t स्क्वायर प्लस टू और t स्क्वायर और dt, ठीक है। अब ब्रैकेट खोल दो, टू इंटीग्रल t रेस्ट टू पावर फोर प्लस टू t स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और dt, ठीक है। ये बन गया हमारा क्वेश्चन। अब इसमें लगाएंगे हम पावर रूल, टू ब्रैकेट शुरू, t रेस्ट टू पावर फोर का इंटीग्रल क्या? t रेस्ट टू पावर फाइव बाय फाइव प्लस टू t स्क्वायर का इंटीग्रल क्या? t क्यूब बाय थ्री बॉक्स प्लस c, ठीक है। और टू, अब t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है? x माइनस वन रूट के ऊपर फाइव डिवाइड बाय फाइव प्लस टू रूट x माइनस वन का क्यूब डिवाइड बाय थ्री ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब रूट का मतलब वन बाय टू, वन बाय टू फाइव आपस में मल्टीप्लाई टू, और ये हो जाएगा x माइनस वन के ऊपर फाइव बाय टू डिवाइड बाय फाइव प्लस टू, और x माइनस वन के ऊपर वन बाय टू के ऊपर थ्री मतलब थ्री बाय टू और डिवाइड बाय थ्री ब्रैकेट क्लोज प्लस c, दिस इज आंसर। अब इस क्वेश्चन को देखें, तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में भी आपको रूट एक्स माइनस वन को टी मानना चाहिए, क्योंकि लीनियर के ऊपर रूट है, तो लीनियर पे रूट को क्या करेंगे? बस उसको टी मान लेंगे रूट के साथ, तो टी हो गया एक्स माइनस वन रूट, फिर वही पहले स्केयरिंग करेंगे फिर डेरिवेटिव निकालेंगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और टू टी डी टी हो गया डी एक्स, तो डी एक्स की वैल्यू डाल देंगे। अब डी एक्स की वैल्यू टू टी डी टी, और नीचे रूट एक्स माइनस वन की जगह टी लगा दिया। अब इस एक्स का क्या करें? एक्स की वैल्यू डाल दो, एक्स की वैल्यू क्या है? टी स्क्वायर प्लस वन, टी स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये टी इस टी से कैंसिल, क्या बचा? टू कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर ले जाओ, बचा वन अपॉन टी स्क्वायर प्लस वन डी टी, और फिर इसका इंटीग्रल क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस वन, फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रल होगा टेन इनवर्स टी बाय वन मतलब टी प्लस सी, दिस इज आंसर। और ये टू टेन इनवर्स टी की वैल्यू एक्स माइनस वन रूट प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो आपको लगता है नीचे दो फैक्टर हैं, एक एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो आपको लगता है ये पार्शियल फ्रैक्शन का थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब a अपॉन x लिखोगे प्लस b x प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस वन लिखोगे और क्वेश्चन करोगे। इस क्वेश्चन को ऐसे करने में आपके तीन चार मिनट लग जाएंगे, मगर ये क्वेश्चन सिर्फ 20-25 सेकेंड में हो सकता है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो। एक काम करो, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले लो, इस ब्रैकेट से x स्क्वायर कॉमन लो, बाहर क्या है? x, और x स्क्वायर आप कॉमन ले रहे हो, तो बाहर क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा x क्यूब, और अंदर से आपने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 आ गया प्लस, और 1 बाय x स्क्वायर आ गया और dx, ठीक है। फायदा क्या हुआ अभी देखते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव ये बाहर पड़ा हुआ है? जरा देखना, t मानते हैं इसको 1 प्लस 1 बाय x स्क्वायर, मतलब t हो गया 1 प्लस x रेज़ टू पावर माइनस 2, तो dt बाय dx क्या होगा? 1 का 0 माइनस 2 x की पावर माइनस 3, और dt क्या हुआ?
माइनस टू और इसको नीचे ले आओ अपॉन एक्स क्यूब और dx, तो ये पार्ट तो तुम्हारे पास है, ये रहा माइनस टू नहीं है ना, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड और नीचे हो गया एक्स क्यूब और वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो अब ये वाला पार्ट हमारा dt हो गया और ये t हो गया, तो क्वेश्चन बदल गया वन बाय टू डी टी बाय टी और ये आंसर होगा माइनस वन बाय टू लॉग टी मॉड प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो, माइनस वन बाय टू लॉग टी की वैल्यू वन प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, देखा आपने सिर्फ 20 से 25 सेकंड में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में भी यही लॉजिक लगा दो, इसके फैक्टर बनाने मत लग जाना, यही लॉजिक लगाओ। ऐसा क्यों सोच रहे हैं हम? अब सुन लो, याद करो, जब भी कभी बाहर x हो, ये पिछले क्वेश्चन में भी देखो बाहर x था, जब भी कभी बाहर x हो तो यही काम करना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बाहर x है तो आप क्या करो, x की पावर 6 बाहर ले लो, मैक्सिमम पावर जितनी भी हो बाहर ले लो, बाहर x पड़ा हुआ है 7 हो जाएगी और 1 माइनस 1 बाय एक्स इज टू पावर 6 और ऊपर dx। अब अगर इसको t माने, जैसे इसको t माना, t इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय एक्स इज टू पावर 6, मतलब t इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज टू पावर माइनस 6, तो dt क्या हुआ, इट इज माइनस 6 मतलब प्लस 6 हो गया, 6 एक्स इज टू पावर माइनस 7 बाय dx और dt क्या हुआ 6 बाय एक्स इज टू पावर 7 dx ऊपर। अब ये चीज dt बनेगी, तो 6 और एक्स इज टू पावर 7 वो है तुम्हारे पास, 6 नहीं है। एक काम करते हैं 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड कर देते हैं एक्स इज टू पावर 7, 1 माइनस 1 बाय एक्स इज टू पावर 6 और dx, तो 1 बाय 6 बाहर और ये हमारा dt हो गया और ये dt और नीचे t हो गया, तो इंटीग्रल क्या होगा log t, तो आंसर आ गया, आंसर आ गया 1 बाय 6 log t मॉड प्लस सी, 1 बाय 6 log t की वैल्यू 1 माइनस 1 बाय एक्स इज टू पावर 6 प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी एक्स क्यूब बाहर और एक्स फाइव प्लस वन, अब कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहां पर बाहर एक्स नहीं है तो क्या किया जाए, मगर अभी भी आप कॉमन लेने की सोचो, कॉमन लेने की सोचो, एक्स की पावर 5 बाहर ले लेते हैं कॉमन, ऊपर डीएक्स और नीचे एक्स की पावर 5, जब एक्स की पावर 5 बाहर लेंगे तो वो विद पावर आएगी, एक्स की पावर 5 विद पावर आएगी, कैसे, अब देखो एक्स क्यूब, अब इस ब्रैकेट के अंदर ही अंदर एक्स इज टू पावर 5 बाहर 1 प्लस 1 बाय एक्स रेस टू पावर 5, ये ऊपर पावर चल रही है 3 बाय 5। ठीक है, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर ही अंदर, ये पावर को छोड़ दो, इस ब्रैकेट को देखो, इसके अंदर ही अंदर मैंने एक्स रेस टू पावर 5 बाहर ले लिया, ऊपर पावर चल रही है, चलने दो। अब ये पावर अंदर दो नंबर है, एक एक्स फाइव एक नंबर है और ये पूरी ब्रैकेट एक नंबर है, तो ये पावर दोनों के ऊपर जाएगी, तो जब ये पावर दोनों के ऊपर जाएगी तो पावर इसके ऊपर जाएगी, तो पावर पावर 5 5 कैंसिल, क्या बचेगा एक्स क्यूब और 1 प्लस 1 बाय एक्स फाइव रेस टू पावर 3 बाय 5। ठीक है, तो ये क्या बचा, ये हुआ डी एक्स डिवाइड बाय एक्स रेस टू पावर 6 और 1 प्लस 1 बाय एक्स रेस टू पावर 5 और पावर 3 बाय 5। तो मैं यहाँ आपको ये कह रहा था कि इस स्टेप में
इस स्टेप में ये स्टेप आपको छोड़ना है, जब आप नेक्स्ट टाइम करें तो इस स्टेप को छोड़ो। क्यों? देखो, जब भी कभी किसी ब्रैकेट से कोई नंबर बाहर आता है कॉमन, तो वो विद पावर आता है। अब x की पावर 5 जब आप बाहर लोगे तो वो विद पावर बाहर आएगा, मतलब विद 3/5 बाहर आएगा। तो जब विद 3/5 बाहर आएगा तो 5/5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? एक्स क्यूब, यही। ठीक है, तो ये स्टेप छोड़ना है, नेक्स्ट टाइम सीधा इस स्टेप पे आ जाना है। अब देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब टी मानो, इसको टी हो गया 1 + 1/x^5, तो टी मानो हमने 1 + x^-5, तो डी टी क्या हो गया, -5 x^-6 डी एक्स, तो डी टी क्या हुआ, -5/x^6 और डी एक्स। ठीक है, अच्छा अब -5 आपके पास यहाँ नहीं है, तो -5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो -5/x^6 और -1/5 बाहर, और ये हो जाएगा 1 + 1/x^5 रेस द पावर 3/5 और dx। ये सारा dt हो गया, ये सारा dt हो गया, नीचे t आ गया, 3/5 आ गया और -1/5 आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रल लेना है, इसे ऊपर ले जाओ, -1/5 इंटीग्रल t रेस टू पावर -3/5 dt, पावर ऊपर ले गए, पावर लगा दो, -1/5 t रेस टू पावर -3/5 + 1 कितना हुआ, 2/5 डिवाइड बाय 2/5 प्लस c। यस, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 5 इस 5 से गया, -1/2 t रेस टू पावर 2/5 प्लस c, तो -1/2 t की वैल्यू डालो, t क्या है, 1 + 1/x^5 रेस टू पावर 2/5 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन में क्या करें, आप जरा सोचो, फिर से ऐसा सोचेंगे कि ये नंबर अकेला पड़ा हुआ है, x square किसके डेरिवेटिव में आता है, एक्स क्यूब के, तो एक्स क्यूब को टी मान लेते हैं, तो ऐसा करते हैं टी मानते हैं एक्स क्यूब -1 को, तो डी टी क्या हो गया, 3x² और डी एक्स, तो ऊपर 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड करो, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, 3x² और x³ -1 रूट और डी एक्स, तो 1/3 ऊपर हो गया डी टी, नीचे हो गया रूट टी, 1/3 टी रेस टू पावर -1/2 और डी टी। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा, टी रेस टू पावर -1/2 प्लस 1 कितना हुआ, 1/2 डिवाइड बाय 1/2 और प्लस सी, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3 t रेस टू पावर 1/2 मतलब रूट टी प्लस सी, तो 2/3 t की वैल्यू इट इज x³ -1 रूट प्लस सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं, अब आप कैसे सोचेंगे, जरा सोचो इसको क्या करें, 1 - x³ x डबल रूट, डबल रूट में अक्सर बच्चे सोचते हैं कि रैशनलाइज कर दें, रैशनलाइजेशन से कोई फायदा नहीं, एक काम करते हैं रूट अलग अलग करते हैं, ऊपर का रूट अलग और नीचे का रूट अलग, रूट अलग अलग कर दिया, अब क्या करें, अब ऐसा सोचो कि ये रूट एक्स, ये नंबर अकेला है, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2 अकेला है, किसके डेरिवेटिव में आता है, जरा ज्यादा सोचो, एक्स की पावर 1/2 किसके डेरिवेटिव में आएगा, एक्स की पावर 3/2, देखो जब आप x की पावर 3/2 का डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, 3/2 एक्स की पावर -1 1/2, तो x की पावर 1/2 किसके डेरिवेटिव में आया, x की पावर 3/2, तो x की पावर 3/2 लाने की कोशिश करो, यहां बन सकता है, ऐसा करते हैं इसे तो x की पावर 1/2 लिख देते हैं और 1 माइनस इसे x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, ऐसा कर सकते हैं क्योंकि 3/2
पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी और कैंसिल हो जाएगी, वापस एक्स क्यूब आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं तो हमने ऐसा कर दिया। अब सोच लिया हमने कि एक्स की पावर 3/2 को टी मानेंगे, तो मान लो टी इज इक्वल टू एक्स की पावर 3/2, तो डी टी क्या होगा? डी टी होगा 3/2 एक्स की पावर 1/2 और डी एक्स। इसका मतलब यहाँ 3/2 नहीं है, एक काम करो यहाँ 3/2 लिखो एक्स की पावर 1/2 और फिर 2/3 बाहर लिख दो ताकि क्वेश्चन बैलेंस हो जाए, और फिर नीचे 1 एक्स की पावर 3/2 की पावर 2 और रूट और डी एक्स। तो अब ये ऊपर वाला डी टी हो गया, 2/3 बाहर ऊपर वाला डी टी हो गया और नीचे 1 टी स्क्वायर आ गया रूट। अब इसका इंटीग्रल क्या होगा? इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/3 और साइन इनवर्स टी प्लस सी, ये 2/3 और साइन इनवर्स टी की जगह टी की वैल्यू एक्स इज टू पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट। अब अगली बार मिलते हैं किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू।